हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बनाते हैं। आज बहुत ही टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी है देसी मसाला पास्ता की। बहुत ही इजीली बन जाता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। फिर हम उसमें ऐड करेंगे 1 कप पास्ता या मैक्रोनी, और उसमें हम ऐड करेंगे नमक और थोड़ा सा तेल, और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके बॉईल करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि वो बहुत अच्छे से कुक ना हो जाए, और 90% तक ही कुक करना है हमें। तो अब पास्ता बॉईल हो चुका है, अब हम इसे ड्रेन कर लेंगे और सारा पानी को हटा देंगे। अब हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, उसे अच्छे से क्रैकल होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटा हुआ प्याज, और इसे हम सॉटे करेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि ये प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट ना हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। प्याज बहुत अच्छे से भुन चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड किया हुआ टमाटर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक से मसाले। तो मैंने यहाँ यूज़ किया है लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर। फिर हम उसमें ऐड करेंगे नमक, और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम मिक्स करते हुए कुक करेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, तब तक जब तक कि मसाला कुक ना हो जाए और टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हो ताकि मसाला जल्दी कुक हो जाए। मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है और टमाटो भी सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटो सॉस। तो मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि वो मसाले में अच्छे से घुल मिल जाए। इसे हम मिक्स करते हुए कुक करेंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। देसी मसाला पास्ता का जो मसाला है वो रेडी हो चुका है, और देखने में भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए पास्ता। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही झटपट मसाला बनके रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए पास्ता। तो मैंने यहाँ पे जो बॉईल किया हुआ था पास्ता था उसे ऐड किया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे हम मिक्स करते हुए कुक करेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि मसाला बहुत अच्छे से कोट ना हो जाए पास्ता में। ये वाली रेसिपी आप चाहो तो ब्रेकफास्ट में या फिर टिफ़िन या फिर स्नैक्स में भी ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मसाला थोड़ा कम कर सकते हो, और इसमें आप थोड़ा सा चीज़ डाल सकते हो जिससे कि तीखापन थोड़ा सा कम हो जाए। तो पास्ता ऑलमोस्ट कुक हो चुका है और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो अब हम इसमें लास्टली ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेश धनिया ऐड करने से टेस्ट बहुत ही इनहेंस हो जाता है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पे हमारा देसी मसाला पास्ता रेसिपी रेडी है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो आप एक बार ये वाली रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करना। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और ये मेरी फेवरेट पास्ता की रेसिपी है। ये बहुत ही झटपट बन जाता है और एकदम देसी स्टाइल में बनता है। तो आप ये वाली रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करना, और आपने अगर ट्राई किया तो कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। और भी बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे आती रहती है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो, और आपके सपोर्ट से मैं रोज वीडियो पोस्ट कर सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपी। बाय बाय एंड टेक केयर।